पहले महबूबा मुफ्ती ने कहा था कि 35 एक खत्म किया तो तिरंगे को कंधा देने वाला कोई नहीं होगा, और आज देखिए एक राजनीतिक पार्टी है पीडीपी, एनसी और कांग्रेस, इनकी अर्थी जाति दिखाई दे रही है और कंधा देने वाला कोई नहीं है। रिजल्ट ऑफ द डिवीजन ऑन द मोशन फॉर कंसिडरेशन सब्जेक्ट टू करेक्शन आईस 125, नो 61, अब्सटेन 1, द मोशन इज अडॉप्टेड। श्री अमित शाह मिनिस्टर टू मूव दैट द बिल बी पास्ड। सभापति महोदय, मैं इस बिल को पारित करने का प्रस्ताव करता हूँ। मोशन मूव दैट द बिल बी पास्ड। द क्वेश्चन इज दैट द बिल बी पास्ड। दोज इन फेवर प्लीज से आई, दोज अगेंस्ट प्लीज से नो। आई थिंक द आईज हैव इट, द आईज हैव इट, द आईज हैव इट, द बिल इज पास्ड। आइए अब देखते हैं क्या चेंज हुआ। टोटल 9 यूनियन टेरिटरीज हो गई, जम्मू कश्मीर और विथ लेजिस्लेटिव स्ट्रक्चर लद्दाख सिंपली। कोई भी इंडियन कहीं भी प्रॉपर्टी खरीद सकता है, किसी भी कश्मीरी से शादी कर सकता है और कश्मीरियों के लिए एंड ऑफ डुअल नेशनलिटी। अब करते हैं करंट सिचुएशन का एनालिसिस। कश्मीर में 2004 से लेकर अब तक 1,71,000 करोड़ रुपए भेजे जा चुके हैं, लेकिन कश्मीरियों के हाथ में वही अभी भी पत्थर की पत्थर है, क्योंकि वहाँ पे हुर्रियत है, दो फैमिली पार्टी हैं जो कि अब्दुल्ला और मुफ्ती हैं, जिन्होंने अपने फायदे के लिए कश्मीर को यूज किया और कश्मीरियों के हाथ में पत्थर की पत्थर है। आफ्टर इफेक्ट्स ऑन इंडिया। इंटरनेशनल मीडिया क्रिटिसाइज करेगा इंडिया को, जैसे कि ब्लूमबर्ग ने अपनी पोस्ट डाली है, CNN, न्यूयॉर्क टाइम्स एज यूजुअल दे विल क्रिटिसाइज इंडिया, पाकिस्तान ऑब्वियसली दे विल क्रिटिसाइज इंडिया। फॉरेन मीडिया को हम संभाल लेंगे एक्सेप्ट पाकिस्तानी मीडिया, और हमें कुछ लेना देना भी नहीं पाकिस्तानी मीडिया से। पर हमें एक ट्विटर पर एग्जांपल चेक करना चाहिए। ट्रंप जो कह रहा था कि जी हम मैं कश्मीर के मसले पे आपकी सालसी करूंगा, तो आपको तो सालसी वालसी की बातें चलेंगी बैकग्राउंड में, वो तो मोदी ने कचरे के ढेर में फेंक दी है। ये जो मोदी ने 370 को खत्म करने की कोशिश की है, ये दरअसल उसने अमेरिका के वजीर आजम डोनाल्ड ट्रंप के मुंह पर एक जन्नाटेदार थप्पड़ आयद किया है। अब पता नहीं ट्रंप साहब जो है उनमें इतनी गैरत है या नहीं है कि उनको मोदी के थप्पड़ की अपने मुंह पे जो हरारत है वो महसूस हो रही है या नहीं हो रही। मोदी के थप्पड़ की उंगलियों के निशान उनको अपने गोरे गोरे और लाल लाल गालों के कोई निशान उनको नजर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, लेकिन मुझे तो साफ नजर आ रही है। मोदी ने एक जन्नाटेदार घुमाकर, पूरी बाजू घुमाकर पूरे जोर से थप्पड़ मारा है ट्रंप के। कंक्लूजन, ऑब्वियसली पाकिस्तान UN जाएगा और बहुत सारी कोशिशें करेगा, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जाएगा, वहाँ पे कोशिश करेगा। कश्मीर एक फ्रेजाइल एरिया है इंडिया का, और भारत के और भी कई हिस्से हैं जहाँ पे बहुत फ्रेजाइल है, वहाँ पे कोशिश करेंगे। और बहुत सारी इंडियन पार्टीज ने भी इसका अपोज किया है, लेकिन वो अंदर से जानते हैं कि ये बहुत ज़रूरी था। फैक्ट ये है कि ये कश्मीर के लिए और इंडिया के बेटरमेंट के लिए बहुत ज़रूरी स्टेप था।